हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए गेहूं के आटे से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं, वही वाला। और अब हम लेंगे इसमें 1 चम्मच सूजी। तो ये सूजी बारीक वाली ली है मैंने, और 1 चम्मच ही मैं ले रही हूँ यहाँ पर देसी घी। और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है जो मुझसे स्किप हो गया है। और फ्रेंड्स, हम अच्छे से आटे को मिलाएंगे यहाँ पे। और मिलाने के बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। और इसका एक डो तैयार करना है, मतलब जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं चपाती के लिए, वैसे ही इसका आटा गूंदना है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि हमने आटा भी कम ही लिया है। और यदि आप ज़्यादा बना रहे हो स्नैक्स तो आटा आप ज़्यादा ले सकते हो। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के बाद में लाइक ज़रूर करके जाए। तो यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया है। अब इसको हम ऊपर से पैक कर देंगे और साइड में रख देंगे। तो आटे को मैं रख रही हूँ साइड में। अब हम लेंगे उबले हुए 2 आलू। तो मैंने यहाँ पे ये आलू को छील लिया है और फ्रिज में रख दिए थे। तो फ्रेंड्स, फ्रिज में नहीं रखे और आपके गरम गरम आलू है तो आप इन्हें मैशर से मैश कर ले। लेकिन मैं इनको क्या करूँगी, कद्दूकस करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिए थे। और कद्दूकस करने से भी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। इससे क्या है, एकदम आलू नरम हो जाते हैं और इनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहती है, इसलिए मैं कद्दूकस कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सभी आलुओं को कद्दूकस कर लिया इस तरीके से। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी प्याज। तो मैंने यहाँ पर बारीक बारीक काटे प्याजों को, ये डाल रही हूँ मैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पर नमक यानी स्वाद के अनुसार। और ये मैंने डाला बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चाट मसाला नहीं डाले तो आप यहाँ पर आधा चम्मच 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हो, या फिर आधा चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो। उससे भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन जब ये नाश्ते को आप बनाओगे तो आपके घर में बच्चे तो क्या बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे, इतना टेस्टी ये नाश्ता बना है। और ये मैंने डाली है चुटकी भर हल्दी। तो हल्दी को भी अच्छे से मिला के, और हमने आलू की स्टफिंग तैयार कर ली है। अब इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और अब हमने लिया है यहाँ पर 1 छोटी सी कटोरी आटा। यहाँ पर आटे का कोई मेजरमेंट नहीं करना है। इसमें मैंने डाला स्वाद के अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की जगह यहाँ पे आप रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। ये मैंने डाले मनरेगा के बीज। और ये डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ। सौंफ की जगह आप यहाँ पे तिल भी डाल सकते हो, या दोनों चीज़ भी डाल सकते हो। मैंने तिल को यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि मुझे तिल इतना पसंद नहीं है, मुझे सौंफ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम, और इसका एक घोड़ बनाएंगे। मतलब इसका आटा नहीं गूंदना है, लेकिन शुरुआत में मालूम हो जाएगा कितना पानी डालना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और इस तरीके का पतले सा घोड़ बनाना है। और इसके अंदर भी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, इनको अच्छे से मिला के इसको हम साइड में रख देंगे। और जो हमने आटा गूंदा है उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारा आटा बिल्कुल भी टाइट नहीं हुआ है, जैसे रखा था वैसे के वैसे ही रखा है। इसके अंदर पपड़ी नहीं आई है, फिर भी एक बार इसको हम ऐसे मिसड़ेंगे। और अब इसको हम बीच में से तोड़ लेंगे, 2 लोए बनाएंगे इसके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनके 2 लोए बना लिए हैं। और एक को मैं साइड में रख दूँगी और एक के ऊपर सूखा आटा लगाऊँगी। और अब इसकी हम रोटी बनाएंगे। जैसे हम रोज़ रोटी बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही रोटी बनानी है। यहाँ पे साइज़ आप छोटी बड़ी कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे रोटी बना ली है। और आपकी रोटी तिरछी बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको हमको साइड से काटना है। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ आलू की स्टेपिंग। तो आलू की स्टेपिंग मैं हाथ से रख रही हूँ, हाथ से बहुत अच्छी तरीके से रखने को आती है इसलिए। और पूरी के ऊपर हम अच्छे से फैलाएंगे, पूरी रोटी के ऊपर। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैला ली है। अब साइड के हिस्सों को मैं ऐसे काट दूँगी, और काट के हम साइड में निकाल लेंगे आटे को। तो इसी तरीके से मैं चारों तरफ से काट दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने चारों तरफ से काट दिया है। अब बीच में से हम कट लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे अपनी तरफ, और इसकी छोटी छोटी पट्टी काटनी है इस तरीके से, ज़्यादा बड़ी नहीं काटनी। अपनी 2 उंगलियों को बराबर से रख सकते हैं, इतनी चौड़ी पट्टी काटनी है बस।
अब हम एक पट्टी को उठाएंगे इनमें से इस तरीके से। अब इस पट्टी को हम ऐसे घुमाएंगे, मसाले को थोड़ा अच्छे से अंदर की साइड दबा दें और एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रख के इग्नोर पे और इस तरीके से दबाना है। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम अच्छे से दबा के दोनों साइड से भी अच्छे से दबाएंगे और हल्का सा गोल गोल घुमाएंगे। इससे क्या है, इसमें गोल शेप आ जाएगा। और देखिए बहुत ही अच्छे से बन गई है हमारी स्नैक्स रेसिपी। तो इसी तरीके से मैं एक और बना लेती हूँ, ये देखिए। अभी हम इनको बना लेते हैं, उसके बाद में इनको हम गोल गोल घुमाएंगे, जिससे क्या है गोल शेप आ जाएगा इनमें। तो यहाँ पे मैंने सभी स्नैक इसी तरीके से बना लिया है और बहुत ही जल्दी बन गए और आसानी से बन भी गया है। तो देखिए मैंने पूरे स्नैक्स बना लिए हैं और देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं और एकदम कुरकुरे बने हैं। तो ये मैंने लिया जो घोड़ किया उसको, और इसके अंदर इनको डालेंगे हम स्नैक्स को। और अब चलते हैं गैस की तरफ लेके इनको। तो आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सेलो फ्राई कर रही हूँ। और एक एक करके इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। अभी मैं छोटी साइज़ के बनाए उनको डाल रही हूँ, जो साइड से हमने आटा निकाला था उनको बना लिया था मैंने। और फ्रेंड्स ध्यान रखें, यहाँ पर गैस को बिल्कुल स्लो रखना है। शुरुआत में मेरा गैस थोड़ा तेज़ था तो इनका कलर एकदम डार्क हो गया है, लेकिन आगे मैं ध्यान रखूँगी। और देखिए हमारा स्नैक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी बना है, एकदम कुरकुरा बना है। और हम बना रहे हैं इसे गेहूं के आटे और आलू से, तो ये एकदम हेल्दी भी है क्योंकि हमने गेहूं के आटे से बनाया है इसलिए। तो इसी तरीके से मैंने पलट पलट करके इनको सेक लिया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे। और बाकी का जो बचा हुआ है उसको भी मैं इसी तरीके से बना लूँगी। तो देखिए मैंने सभी स्नैक्स निकाल लिए हैं और जो बाकी के बचे थे उनको भी मैं तेल के अंदर डाल दूँगी। और देखिए यहाँ पे मैंने डाल भी दिया है और अलट पलट करके इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे डीप फ्राई नहीं किया है, आप चाहे तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। और मैंने पूरा गर्मा गर्म नाश्ता बना लिया है, तो आप इसे नाश्ता बोलो या स्नैक्स बोलो, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना है। और बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। और इस नाश्ते को आप सफ़र में भी ले जा सकते हो, एकदम बहुत ही अच्छे लगते हैं, जैसे आलू फिंगर्स लगती है वैसे। देखिए एकदम कुरकुरा बना है और अंदर से आप देख सकते हो आलू का मसाला बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप इसे टमाटो सॉस, टमाटो केचप या हरे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हो। लेकिन मैंने आज यहाँ पे पूरी तरीके से हेल्दी रेसिपी बनाई है, क्योंकि इसके साथ मैंने लिए यहाँ पे आज मसाला छाछ। मसाला छाछ से ये स्नैक्स बहुत ही टेस्टी लगेगा, बच्चे तो क्या, बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। और जिन्हें मसाला छाछ पसंद नहीं है वो टमाटो सॉस के साथ सर्व करना, बहुत ही टेस्टी।